हेलो एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किंगडम प्लांटी। आज हम पढ़ेंगे अबाउट किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी पे हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किंगडम प्लांटी पढ़ने से पहले किंगडम प्लांटी में हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको उसका इंट्रोडक्शन देख लेना चाहिए, क्योंकि हमें उससे मोटा मोटा नॉलेज आ जाता है कि हमें ये चैप्टर में पढ़ना क्या है, ठीक है। किंगडम प्लांटी का इंट्रोडक्शन हम कंप्लीट करेंगे टोटल 8 पॉइंट्स पे। टोटल कितने पॉइंट्स पढ़ेंगे हम? 8 पॉइंट्स में कब पढ़ेंगे? तो ये जो सारे हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं इंट्रोडक्शन के, ठीक है। हमें इंट्रोडक्शन क्यों पढ़ना है? क्योंकि हमें पता लगाना है कि हमें ये जो चैप्टर हम जो पढ़ रहे हैं किंगडम प्लांटी, उसमें हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो चलते सबसे पहले हमारा पहले पॉइंट की तरफ। पूरे अर्थ पे बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। आप सोच नहीं सकते इतने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और उनमें से सबसे ज़्यादा जो क्या बोलते हैं हम अबंडेंट, मतलब सबसे ज़्यादा प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है? वो है प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये तीनों बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है ऑन दी अर्थ, ठीक है। फिर आप आइए थर्ड पॉइंट पे, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट में हम ये सेकंड और थर्ड पॉइंट में हमें क्या बताया गया है कि किंगडम प्लांटी में किसको इंक्लूड किया गया है? किंगडम प्लांटी नाम से ही पता चल रहा है, प्लांटी मतलब प्लांट्स, ठीक है। दे आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी। कौन इंक्लूडेड है किंगडम प्लांटी? जो मल्टी सेलुलर है, जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और जो फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखता है। मतलब उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसलिए उनको इंक्लूड किया है किंगडम प्लांटी। अब फोर्थ पॉइंट में उसका नामकरण किया गया है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में क्या है कि जो ये सब फैक्टर बियर करता है वो है प्लांट्स। प्लांट्स फोटोसिंथेटिक भी है, प्लांट्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी है, और प्लांट्स क्या करता है, प्लांट्स मल्टी सेलुलर भी है, ठीक है। इसलिए किंगडम प्लांटी में प्लांट्स के बारे में पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है, दे आर द मेन प्रोड्यूसर। वो क्या है? दे आर द मेन प्रोड्यूसर ऑन लैंड एज वेल एज वाटर। वो लैंड पे भी मेन प्रोड्यूसर है और वाटर पे भी मेन प्रोड्यूसर है। हम कंज्यूम करते तो हम क्या हुए? हम कंज्यूमर हो गए। ये प्रोड्यूस करते तो ये क्या हो गए? ये प्रोड्यूसर हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट विद द हेल्प ऑफ ग्रीन पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल की हेल्प से, ठीक है, क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल है ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल की हेल्प से प्लांट सिंथेसाइज करता है कार्बोहाइड्रेट। क्लोरोफिल की हेल्प से प्लांट खाना बनाता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोसिंथेसिस होता है लाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ठीक है। इसलिए पॉइंट पढ़ता हूँ मैं एक बार, प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट विद द हेल्प ऑफ ग्रीन पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल, ठीक है। हमें क्लोरोफिल याद रखना है। फिर उसके बाद हमारा जो पॉइंट है, दिस आर ऑल्सो दे ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन इन एयर। ऑक्सीजन सबसे क्रूशियल एसेंशियल प्रोडक्ट है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है ऑक्सीजन सभी के लिए। तो वो कौन रिलीज करते हैं? वो भी प्लांट ही रिलीज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा पॉइंट है, अब यहाँ क्या बोला गया है कि दस दे आर द मोस्ट एसेंशियल बायोटिक कंपाउंड ऑफ इकोसिस्टम। प्लांट्स को सबसे एसेंशियल इम्पोर्टेंट बायोटिक कंपाउंड बताया गया है इकोसिस्टम का। फिर किंगडम प्लांटी, यह अगले पॉइंट में क्या है कि क्या बोला गया है कि किंगडम प्लांटी इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू सब किंगडम्स। किंगडम प्लांटी के टू सब किंगडम्स है जिसका नाम है क्रिप्टोगैमी एंड फिनरोगैमी, ठीक है। दो सब किंगडम्स के नाम क्या है? वो क्रिप्टोगैमी और फिनरोगैमी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट 8 पॉइंट्स, ठीक है। फिर से एक बार हम जल्दी रिकैप कर लेते हैं इसका। सबसे अबंडेंट कौन है? प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब किंगडम प्लांटी में किसको इन्वॉल्व किया जाता है? जो मल्टी सेलुलर है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और जो फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखता है। फिर दे आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी। फिर द ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड एज प्लांट्स, ठीक है। ये जो सब फैक्टर बियर करता है वो कौन है? प्लांट्स। इसलिए किंगडम प्लांटी में प्लांट्स को इंक्लूड किया गया है। फिर दे आर द मेन प्रोड्यूसर ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। इनको मेन प्रोड्यूसर बोला गया है। हम क्या है? हम कंज्यूमर हैं। फिर प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट विद द हेल्प ऑफ ग्रीन पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट अपना खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस करके। वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और क्लोरोफिल क्या है? वो एक ग्रीन पिगमेंट है। प्लांट ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन। प्लांट ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं। दे आर द मोस्ट असेंशियल बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का सबसे असेंशियल प्रोडक्ट बोला गया है बायोटिक
बायोटिक का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही सब कुछ होता है, ठीक है। फिर किंगडम प्लांट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू सब किंगडम्स व्हिच इज नोन एज क्रिप्टोगैमी एंड फिनरोगैमी। सो दिस वाज ऑल अबाउट 8 पॉइंट्स। तो अगले बार हम शुरू करेंगे क्रिप्टोगैमी और फिनरोगैमी।